अगर गाय हमारी माता है तो उसके हत्यारों को फांसी कोई और क्यों देगा भाई? ये क्या हिजड़ो जैसी बातें हैं? अगर गाय माता है तो भाई बदला खुद लो, और गाय की हत्या उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन आप जो लोग गाय को खाते हैं उन्हें खाना शुरू कर दो, उसके बाद गौ हत्या होगी नहीं। जो हमारी माँ का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो हमारा दुश्मन है तो उसका वध कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय कार्जू ने गो हत्या पर संभावित प्रतिबंध के विरोध में उतर आए हैं। वो क्या कहा है आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि दुनिया में ज्यादातर लोग गो मांस खाते हैं, क्या वो सब पापी हैं? मैंने तो देखी साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, एक जानवर है। और दुनिया खाती है गाय बीफ, अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज नहीं है? दुनिया खाती है, आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। वो कहते हैं कि साहब गाय माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को, तो भाई बकरी भी देती है दूध पीने को, भैंस भी देती है, वो ऊंट का भी पीते हैं लोग दूध, तिब्बत में याक का पीते हैं, वो सब देवी देवता हैं। पागलपन की बातें, बेवकूफी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा, मैं गधे का इलाज नहीं मेरे पास। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफी की बात है। गाय एक जानवर है जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है, वैसे उससे ज्यादा मैं नहीं मानता हूँ। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में के जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजीपाला देंगे तो हमारे बाप दादा एक महीने के लिए खुश रहेंगे, अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरण का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है माशाल्लाह, बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिबे इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा।